रात को सोते ही पलंग अपने आप ही चलने लगता है, जिसे उन्होंने जंगल वाली औरत से खरीदा था, क्योंकि उस दिन उस गांव में एक चुड़ैल आती है जो अपने जादू से एक औरत का रूप धारण कर लेती है और फिर अपने काले जादू से कुछ पलंग तैयार करती है जिन्हें वो सस्ते दामों में बेचने लगती है। सस्ते पलंग देख रमेश अपनी पत्नी के साथ आता है और एक पलंग खरीद लेता है, लेकिन रात को जैसे ही वो उस पलंग पर सोते हैं तो पलंग अपने आप ही चलने लगता है और चलते चलते वो पलंग उन्हें जंगल में एक पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ के सामने एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है और पलंग उन्हें गड्ढे में डाल देता है और वो पलंग वापस अपने जगह पर चला जाता है। इसी तरह चुड़ैल गांव के कई लोगों को अपना भूतिया पलंग बेचकर अपने जाल में फंसाती थी और सभी लोग उसी गड्ढे में चले जाते थे। लेकिन एक दिन ये सब एक बाबा देख लेते हैं और जैसे ही वो गड्ढा खुलता है बाबा उसमें कूद जाते हैं। अंदर जाते ही वो उस चुड़ैल की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल तुरंत ही आ जाती है। चुड़ैल तुरंत ही बाबा पर हमला कर देती है, लेकिन बाबा उसे रोक लेते हैं और अपने जादू से उसके हथियार से उसी पर हमला कर देते हैं, जिससे चुड़ैल मर जाती है। तो कमेंट में हर महादेव